ठीक है, तो ये वाला पार्ट में मिटा देता हूं। एलील्स, दूसरा, अगर कि आपको समझ में आ गया कैरेक्टर, कैरेक्टर इज एनी मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ट्रेड उस कैरेक्टर की दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर, जैसे कि मैंने आपको प्लांट हाइट कहा, ये कैरेक्टर है, लेकिन प्लांट या तो टाल हो सकते हैं तो डवार्फ हो सकता है, तो ये जो दो इसके कंट्रास्टिंग फीचर्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रेड्स। मैंने अभी आपको कहा जीन के थ्रू ये कैरेक्टर जाता है ऑफस्प्रिंग्स में, दैट मीन जीन में वो इन्फॉर्मेशन होती है जो इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट मैंने कहा एक कैरेक्टर एक जीन कंट्रोल करती है, तो बट अभी मैंने कहा कि एक कैरेक्टर के दो अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं या कंट्रास्टिंग फीचर्स हो जिनको हम ट्रेड्स कहते हैं, तो ट्रेड्स को कौन कैरेक्टर कंट्रोल करेगा, इसीलिए जीन के भी दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एलील्स, दूसरे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन अभी हम मेंडल के अंदर काम कर रहे हैं। मेंडल द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, द टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स, इसको हम कहते हैं एलील्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं अभी प्लांट हाइट का कैरेक्टर लेता हूं, इट इज अ कैरेक्टर, कितनी जीन्स होंगी, एक, लेकिन इसके दो है ना, या तो टाल हो सकता है या तो दो डवार्फ हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, तो एक जीन तो होगी लेकिन इनको कौन सा कंट्रोल, कौन कंट्रोल करेगा, करेगा एक जीन के, या हमेशा याद रखोगे एक जीन के दो एलील्स होते हैं हमेशा, इसके भी दो एलील्स होंगे, इसके भी दो एलील्स होंगे, ठीक है, तो एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। एक एक इंडिविजुअल में, अभी आप मे बी आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर तो चार आ गए, ठीक है, एक इंडिविजुअल में एक कैरेक्टर के दो ही एलील्स होते हैं, एक उसको एक पेरेंट से मिलता है, दूसरा उसको दूसरे पेरेंट से मिलता है, लेकिन पॉपुलेशन में कितने एलील्स हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो एलील्स हो सकते हैं, है ना, एक जिनके दो ही एलील्स है, अब किसी में ये दो आ जाते हैं, किसी में ये दो आ जाते हैं, किसी में दोनों आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक इंडिविजुअल में हमेशा एक ही, यानी एक जिन के दो ही एलील्स हो सकते हैं, ठीक है, दे आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर। अब है दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें, वो है होमोजाइगस, किसको कहेंगे हम, होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जब एक इंडिविजुअल में एक कैरेक्टर या एक ट्रेड के दो एलील्स सिमिलर होंगे, या तो वो दोनों डोमिनेंट होंगे या तो वो दोनों रिसेसिव होंगे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं होमोजाइगस, तो होमोजाइगस को लिख सकते हैं बोथ एलील्स आर सिमिलर, बोथ एलील्स आर सिमिलर, ठीक है, इसमें दोनों एलील्स सिमिलर होते हैं, सिमिलर मतलब इधर बोथ या तो डोमिनेंट आर रिसेसिव, या तो दोनों डोमिनेंट होंगे या तो दोनों रिसेसिव होंगे, जैसे कि मैंने ये कहा इट इज ए होमोजाइगस, या ये इट्स ये कहा इट्स, तो इसको हम कहेंगे ये अभी इसके दो हो सकते हैं, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, यहाँ पर मैं बताता हूँ होमोजाइगस, होमोजाइगस सिमिलर, मैंने अभी एलील्स बताए इसके होते हैं, ठीक है, इसके दो हो सकते हैं, या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट, या तो वो हो सकता है होमोजाइगस रिसेसिव, रिसेसिव का मतलब होता है जो कैरेक्टर एक्सप्रेस ना हो पाता है इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट वन, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे जैसे कैपिटल टी, और इसको हम कहेंगे स्मॉल टी, और ये भी याद रख लेना कैपिटल से हमेशा हम डोमिनेंट डिजिग्नेट करते हैं और रिसेसिव को हमेशा हम स्मॉल अल्फाबेट से डिजिग्नेट करते हैं, किसी भी अल्फाबेट से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हाइट का करेक्ट टाल का लेते हैं टी, और इसका हम लेते हैं डॉर्फ का स्मॉल टी, ठीक है, उसके बाद है हेटेरियोजाइगस, हेटेरियोजाइगस क्या मतलब है इसका, एलील्स आर डिसिमिलर, डिसिमिलर का क्या मतलब है, वो डिफरेंट होंगे, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव, तो इसमें वन
डोमिनेंट, वन रिसेसिव, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, जैसे कि हमने ये कहा इट इज ए हेटेरोजाइगस। समझ आया? तो यहां तक हमने देख लिया एलील्स का भी और होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का। तो इन एलील्स में से मैं भी आप ये याद रख सकते हो कि इन एलील्स में से जो एक जिनके दो एलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट एलील होता है जो एबल टू एक्सप्रेस, दूसरा रिसेसिव होता है जो विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस। इस तरह से भी लिख सकते हो आप एलील्स के दो हो सकते हैं, एलील्स या तो डोमिनेंट होंगे या तो रिसेसिव होंगे। डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट मीन्स एबल टू एक्सप्रेस, एबल टू एक्सप्रेस इन द हाइब्रिड, ये नॉट एबल टू एक्सप्रेस, ये इट इज नॉट, ही इज, दिस इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ ए डोमिनेंट। तो रिसेसिव तभी एक्सप्रेस हो जाएगा जब भी होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, ठीक है? डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होगा, अगर इसका एक ही होगा तब भी ये एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्रास ले लेता हूँ, वहां पर हम डिफाइन करेंगे एफ वन जनरेशन क्या होती है, फर्स्ट एलील जनरेशन, एफ वन जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक क्रास बना लेता हूँ, मैं पेरेंट्स ले लेता हूँ पहले, ठीक है? सबसे पहले हम पेरेंट्स ले लेंगे, पेरेंट्स हम क्या लेंगे, पेरेंट्स हम लेंगे एक तो लेंगे टॉल, दूसरा लेंगे डवर पेरेंट, ये हमने दो ले ली। बट ये कौन सा टाल है, ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस, और ये कौन सा डवार्फ है, ये होमोजाइगस है। दैट मींस दोनों एलील्स जो इस कैरेक्टर के होंगे वो सिमिलर होंगे। तो अगर ये इनका ये फिनोटाइप है इनका, अगर हम इनका जीनोटाइप लिखेंगे, जीनोटाइप वो क्या लिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल डी, क्योंकि मैंने ये कहा कि इसका होमोजाइगस कंडीशन है, और इसका लिखेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे क्या बनाएंगे, गेमिट्स। हम देखेंगे गेमिट्स किस तरह से बना सकते हैं, जब गेमिट्स बनते हैं कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस, जो हमने सेल डिवीजन में देखें थोड़ा सा देख लिया, ठीक है? तो ये सेपरेट हो जाएंगे, एक एक गेमिट में जाएगा, दूसरा दूसरे गेमिट में जाएगा, सेपरेट हो गए ना, क्योंकि हाफ करना है ना क्रोमोसोम नंबर। यहाँ पर भी हमें एक एक गेमिट में जाएगा, दूसरा दूसरे गेमिट में जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन या क्रॉस आप कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये मानो, आप प्लांट की बात कर रहे हैं, ये हम मान लेते हैं ये पोलन ग्रेन है, और ये हम मान लेते हैं ये एग्स है, ठीक है? अगर इस पोलन ग्रेन ने इसको फर्टिलाइज किया, क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर इसने इसको नहीं बट इसने किसी इस वाले को किया, क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर इसने यहाँ किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर इसने यहाँ पर किया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सब में आपने देखा तो इसका जो फिनोटाइप आएगा ये सारे टाल है। क्यों आया टाल, ये वहां पर तो डवार्फ का एलील भी था, क्योंकि डोमिनेंस, क्योंकि यहाँ पर जो टालनेस का एलील है वो डोमिनेट ओवर डवार्फनेस का इनके एलील पे। तो एफ वन जनरेशन, तो ये जो जनरेशन निकली हमें, इसको हम कहते हैं एफ वन जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, वो जनरेशन जो हमें मिलती है आफ्टर क्रॉसिंग टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो इसको हम कहते हैं एफ वन जनरेशन। अगर हम इसी एफ वन जनरेशन में से एक मेल उठाएंगे, दूसरा फीमेल उठाएंगे, इनको क्रॉस करेंगे अब, तो क्या निकलेगा, गेमिट्स बनेंगे यहाँ दो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर बनेंगे दो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है? तो क्या मिलेगा हमें फिर, यहाँ पर हम पनेट सिकर बनाते हैं, पनेट सिकर में हमें आसानी होती है, वो देखना है कि क्या क्या बनेंगे हमें। अगर यहाँ पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर इसने इसको किया, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है? तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो देखो इसका क्या होगा फिनोटाइप, ये टाल होगा, बट होमोजाइगस टाल, ये भी टाल होगा, ये भी टाल होगा, बट हाइब्रिड टाल, ये डवार्फ होगा, ठीक है? तो ये जो जनरेशन निकली हमें, वो हम देखेंगे बाद में क्यों निकला ऐसा, इसको हम कहते हैं F2 जनरेशन।
इस वाली जनरेशन को हम कहेंगे ये F2 जनरेशन है। दैट मीन्स जब हमने दो सिमिलर इंडिविजुअल्स को क्रॉस किया उसको हम कहते हैं सेल्फिंग भी, तो जो वहाँ पर जनरेशन निकलेगी नेक्स्ट इसको हम कहेंगे F2 जनरेशन। जैसे कि हमारे पेरेंट्स और हम उनके लिए F1 जनरेशन है, हमारे जो बच्चे आएंगे वो हमारे लिए F2 जनरेशन है। ठीक है, इस तरह से वैसे होता नहीं है इंडिविजुअल्स ह्यूमंस में ऐसा। तो ठीक, तो ये हो गया F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। एलील्स हमने देख लिए, फिनोटाइप हमने देख लिया, जीनोटाइप हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज जीनोम। जीनोम, जीनोम का क्या मतलब होता है? जीनोम का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम्स वायर एवरी जीन एंड क्रोमोजोम इज रिप्रेजेंटेड सिंगली। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम्स वायर एवरी क्रोमोजोम एंड जीन इज रिप्रेजेंटेड सिंगली। एक एक ही होगा उसमें। हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। तो जीनोम कितने हो गए? दो सेट्स है ना, 23 23। ठीक है, तो जीनोम मतलब सिंगल सेट, सिंगल क्रोमोसोम और सिंगल जीन। ठीक है, उसके बाद दूसरा टर्म आ जाता है जीन पूल। जीन पूल is a complete set of chromosomes where every gene and chromosome represented वो genome है। ठीक है, next is अब population में कितने alleles है एक gene के? aggregate of all the genes and their alleles present in an interbreeding population। aggregation of all the genes and their alleles in population, उसको हम कहेंगे जीन पूल। फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर है ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, उसके कितने एलील्स होते हैं? 3, IA IB IO। लेकिन एक इंडिविजुअल में हमेशा कितने हो सकते हैं एक जीन के? दो ही हो सकते हैं, IA IB हो सकता है, IB IO हो सकता है, IA IO हो सकता है। ठीक है, IO IO हो सकता है, दो ही है ना हर किसी में। तो जीन पूल में लेकिन कितने एलील्स है? 3 एलील्स है। तो जीन पूल में उसके 3 एलील्स है लेकिन एक ऑर्गेनिज्म में हमेशा दो ही हो सकते हैं। ठीक है, एक जीनोम में एक ही हो सकता है लेकिन अगर आप उसका डिप्लाइड दे सकते हो तो दो हो सकते हैं एलील्स। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं, और भी टर्म्स हैं वो हम आगे कर लेंगे इंशाल्लाह।